तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साप्ताहिक राशिफल की। ये साप्ताहिक राशिफल मेष राशि वालों के लिए 8 से 14 अप्रैल तक के लिए रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं 8 और 9 अप्रैल की। 8 और 9 अप्रैल को चंद्रमा का जो गोचर रहेगा आपके लाभ स्थान में होगा। तो लाभ स्थान में चंद्रमा आपके लिए कुंभ राशि में रहेंगे। इस दौरान आप धन से संबंधित कोई भी कार्य करें आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। किसी के साथ आपको धन का लेन देन करना हो, कहीं से कोई लाभ प्राप्त करना हो, कहीं से किसी से कोई पैसा आपको मंगवाना हो, तो आप ये सभी कार्य इस दौरान कर सकते हैं। 8 और 9 को आपके लिए शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी वगैरह इन सब से भी फायदा हो सकता है। साथ ही इस दौरान आपको संतान प्राप्ति हो सकती है। बड़े भाई के साथ आपके संबंध काफ़ी अच्छे रहेंगे और उनका आपको अच्छा सहयोग मिलेगा। इस दौरान आपके मित्रों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। आपको अपनी सोसाइटी में, अपने नेटवर्क सर्कल में, या यूँ कहें कि आप जहाँ भी रहते हैं उनके आसपास आपके वहाँ से आपको मान सम्मान मिलेगा। लोग आपको पहचानेंगे, जानेंगे और अच्छा सपोर्ट आपको करेंगे। इस दौरान आप किसी से भी जो भी हेल्प आप लेना चाहेंगे वो हेल्प आपको मिल जाएगी। इस दौरान आप अपनी संतान के प्रति बहुत ज़्यादा भावुक रहेंगे। अगर आप मार्केटिंग से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल सकता है। चंद्रमा के पंचम भाव को देखने की वजह से आपको संतान प्राप्ति के साथ साथ आपको प्रेम संबंधों में भी ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ ही आप बहुत ज़्यादा भावुक रहेंगे क्योंकि चंद्रमा यहाँ से आपके मन पर सीधा सीधा प्रभाव डालेंगे। तो आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, भावुक या फिर आप बहुत ज़्यादा सक्रिय भी रहेंगे मन से। तो ये समय ऐसा रहेगा जब आपके कुछ ऐसे डिसीजन भी हो सकते हैं जो आपके मन से ज़्यादा प्रभावित हो। इस दौरान आपको एजुकेशन में ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा और जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप स्टडी करना चाहते हैं या कोई कंपटीशन एग्जाम फाइट कर रहे हैं तो ये समय बहुत ही शानदार आपके लिए जाने वाला है। चंद्रमा के पंचम भाव को देखने से आप कोई ना कोई क्रिएटिव फील्ड में इंटरेस्ट ले सकते हैं। अगर आप पहले से ही एक अच्छे क्रिएटर हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो कुछ ना कुछ आप नया सीखेंगे। इसके अलावा अपनी एजुकेशन से संबंधित आप कोई नया डिसीजन इस दौरान ले सकते हैं। 10 और 11 को चंद्रमा एक राशि आगे बढ़ जाएंगे तो ये आपके 12वें स्थान में स्थित रहेंगे। तो यहाँ पर इनका जो गोचर आपके लिए रहेगा 12वें स्थान में स्थित होने से अब आप विदेश से जुड़े हुए कार्यों में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश से अपने देश में आना चाहते हैं तो दोनों ही प्रकार से आपके लिए ये गोचर अच्छा रहेगा। इस दौरान अगर आप विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इस दौरान आप विदेश से जुड़ा हुआ बिजनेस कर रहे हैं तो आपको काफ़ी फायदा मिल सकता है। चंद्रमा का 12वें स्थान में गोचर होने से कुछ परेशानियां आपको जरूर रहेंगी, जैसे प्रॉपर्टी के लिए कोई बहुत बड़ा खर्चा हो सकता है और खर्चा तो वैसे भी होगा, आपकी हेल्थ के लिए खर्चा हो सकता है और कुछ ऐसे खर्चे जिन पर आपके लिए लगाम लगाना काफ़ी मुश्किल होगा। तो इस समय धन की बर्बादी या धन का व्यर्थ में जाना भी हो सकता है। इस दौरान आपको नींद को लेकर थोड़ी परेशानी रह सकती है और ये समय ऐसा है जब आप अपने रूटीन को सही से नहीं रख पाएंगे, मेंटेन नहीं कर पाएंगे, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आप महसूस कर सकते हैं। आप अपने डेली के जो वर्क हैं, जो भी कार्य हैं, आपके दिनचर्या है, उसको ठीक प्रकार से मेंटेन नहीं कर पाने की वजह से भी काफ़ी परेशान रहेंगे। इस दौरान कोई पुराना रोग है वो फिर से उभर सकता है या फिर आपको इस समय कोई ऐसी बीमारी लग सकती है जिसके लिए अचानक आपको धन का खर्चा करना पड़े। इस समय आपके शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। आप जिस फील्ड में कार्य कर रहे हैं, जिस स्थान पर आप कार्य कर रहे हैं, जो आपका ऑफिस है, वहाँ पर कुछ लोग आपके शत्रु बन सकते हैं और फालतू में वो आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। इस दौरान अगर आपके ऊपर कोई प्रकार का कोर्ट केस वगैरह है या कोई अन्य इस प्रकार का मामला है जहाँ पर कोई विवाद है, उसमें आपको असफलता जरूर मिल सकती है। इसके साथ ही इन 2 दिनों में किसी के साथ भी आपको धन का लेन देन नहीं करना है। तो ये 2 दिन आपके लिए काफ़ी ख़राब रहने वाले हैं। इसके बाद अगर हम बात करें आपके लिए तो 12, 13 और 14 तारीख का जो समय रहेगा उसमें चंद्रमा आपके राशि स्थान में ही आ जाएंगे, यानी ये मेष राशि में गोचर करेंगे। अब मेष राशि में इनका गोचर आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इस दौरान आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ा हुआ रहेगा और आप किसी से भी कोई हेल्प मांगेंगे वो आपको मिल जाए, किसी से आप कोई समर्थन मांगेंगे वो आपको मिलेगा। इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा आपका ध्यान अपने बिजनेस और लाइफ पार्टनर पर रहेगा, इसके अलावा खुद पर रहेगा। इस दौरान हेल्थ संबंधी कोई भी समस्या है तो वो दूर होगी
और आप डिसीजन काफ़ी अच्छे से ले पाएंगे, साथ ही किसी भी कार्य को आप बहुत तेज़ी से कर पाएंगे। तो ये समय काफ़ी अच्छा है, ये 3 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए जाने वाले हैं। साथ ही आपको कोई लंबे समय का कोई निर्णय लेना है तो आप इस समय ले सकते हैं। साथ ही आप अपने पार्टनर का जितना ज़्यादा सहयोग इस दौरान करेंगे उतना ही अच्छा आपके लिए ये समय साबित होगा। इस दौरान आपको कोई नया बिजनेस आइडिया आ सकता है। अगर राजनीति के क्षेत्र में है तो आपको कोई नई पहचान मिल सकती है। इस दौरान लोग आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे और आप चंद्रमा के राजस्थान में आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा भावुक भी रहेंगे। तो अगर आप राइटिंग के फील्ड में हैं या कोई ऐसे क्रिएटिव फील्ड में हैं तो काफ़ी अच्छी सफलता पा सकते हैं। इसके अलावा चंद्रमा का राजस्थान में होना ये आपके लिए बिजनेस में कोई नई पार्टनरशिप या कुछ ऐसा आप बदलाव करेंगे जिससे आपको आने वाले समय में काफ़ी फायदा मिल सकता है। इस दौरान आप खुद भावुक होने के साथ साथ आपका लाइफ पार्टनर भी आपके साथ काफ़ी ज़्यादा भावुकतापूर्ण व्यवहार करेगा। इसके साथ ही आपका व्यवहार अपने जो बिजनेस पार्टनर्स हैं उनके साथ भी कुछ ऐसा ही रहेगा। तो अपने इमोशंस को आपको कंट्रोल करना होगा, अपने मन को कहीं ना कहीं कंट्रोल करके चलना होगा। ये समय ऐसा रहेगा जब आप बहुत ज़्यादा लाभ इस समय में प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसा आप कर सकते हैं जिससे आपके काम में ज़्यादा कुछ आगे वृद्धि हो, यानी कोई ऐसा काम स्टार्ट कीजिए, नया काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो नया आइडिया जो भी आपके लिए आएगा वो क्रिएटिव आइडिया हो सकता है। तो आप पहले से अगर कोई काम स्टार्ट किए हुए हैं उसमें भी अपना कोई क्रिएटिव स्किल डाल सकते हैं जिससे आपको ज़्यादा फायदा हो। तो ये पूरा वीक एक तरह से देखा जाए तो स्टार्टिंग से ही आपके लिए काफ़ी अच्छी संभावनाएं इस वीक में बनेंगी, लेकिन जो समय रहेगा आपके लिए 10 और 11 का वो थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा। इस दौरान आपको अपने डिसीजंस को भी बहुत ज़्यादा सोच समझ कर लेना होगा, अदरवाइज आपको दिक्कत हो सकती है। साथ ही शुरुआत से ही आपके लिए धन संबंधी कार्यों में काफ़ी अच्छा मौका रहेगा, और आप बिजनेस अगर कर रहे हैं या कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं, कोई भी प्रोफेशन में आप हैं, तो आपके लिए धन संबंधी संभावनाएं इस वीक में काफ़ी ज़्यादा बनेंगी। साथ ही साथ ये चंद्रमा के राजस्थान में आने से आप अगर क्रिएटिव फील्ड में हैं तो ऑलरेडी बहुत अच्छा फ़ायदा आप ले सकते हैं इसका, और कोई ऐसा बिजनेस भी आप कर सकते हैं जहाँ पे आपको कोई अपना क्रिएटिव आइडिया लगाना हो, आपका जो भी आइडिया होगा वो अच्छे से वर्क करेगा। तो इस दौरान आपको चाहिए कि आप अपनी कुंडली को एनालाइज करके किसी के साथ अगर पार्टनरशिप संबंधी कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो सोच समझ कर लीजिए। इसके अलावा अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी आप कोई पार्टनरशिप कर सकते हैं बिजनेस में। तो ये पूरा वीक कुछ ऐसा रहेगा आपके लिए कि काफ़ी फ़ायदा ही फ़ायदा मिलने वाला है, लेकिन कुछ बीच में ऐसे दिन भी आपके लिए रहेंगे जहाँ पर कुछ समस्याएँ कुछ परेशानियाँ आपके लिए रह सकती हैं। तो ये वीक काफ़ी अच्छा जाने वाला है अगर कुल मिलाकर देखें, और इस वीक में आपको काफ़ी अच्छी सफलताएं मिलेंगी, काफ़ी ज़्यादा धन लाभ प्राप्त होगा। लोगों का जैसा सपोर्ट आप चाहेंगे, जैसे उम्मीद आप लोगों से करेंगे, वैसा ही आपको रिजल्ट भी मिलेगा। तो आपको चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस समय कार्य करें। इस वीक में आपके लिए जो शुभ अंक रहेगा वो रहेगा 6, और आपके लिए शुभ रंग रहेगा सफ़ेद रंग। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।